घटना हो गई थी यहाँ पे लक्ष्मण और प्यारी के बीच में, आपको उसके बारे में कुछ पता है? गांव के पते नहीं बता सकते हमने, 11 मिनट की घर की बात मान, कोई मतलब नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा हमें पता नहीं। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह राजपूत है, तरावड़ी का रहने वाला हूँ। वो हमारे पास ही रहता था साथ में। 5 भाइयों के नाम कमल सिंह, तोरण सिंह, लक्ष्मण सिंह, दशरथ सिंह, ईश्वर सिंह। उसे लगा कि हमें शादी करनी चाहिए, बड़े भाई से बोला हमें शादी वादी करवाओ। बड़े भाई ने बोला देखेंगे हाँ मिलेंगे करेंगे। सांवलेपन के कारण यही कई रिश्तेदार पसंद नहीं करते थे, इसे सालों उठ गई। इतने में एक पड़ोसी ने बताया कि एक जगह है लड़की, चलो हम दिखा देते। देखने उसे ही ले गए लक्ष्मण को, गए जाके लड़की को देखा, लड़की ने हमको देखा, लड़की ने हमको पसंद कर लिया। 40,000 रुपया पे हाथ में दिए सोशल को। मंदिर पहुँचे दोनों भाई गए, सब गए, सब पहुँचे जाकर उसका हार फूल करवाया, उसको घर लेकर आए, वो रहने लगे आराम से साथ में, अलग उनने घर ले लिया। बढ़िया से रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, कमा रहे थे, बगैर मर्जी की शादी थी, फिर भी हमने अपना लिया था। ऐसा नहीं है कि उससे हमने दुश्मनी रखी। लोगों ने उसको खिला दिया या बेका दिया। आदमी की भी गलती हुई है, या तो लाके बिठा तो शक मत करो, ये ला मत ही घर में, वो शक करे थे यहाँ पे खूब। मैंने एक दो बार बात भी करी है सहरा अनुराधा ने कि जी देखो लाके बिठा दिया और मुझे शक भी करेगा, नहीं गलती है यार, लानो नहीं चाहिए। ये वहाँ रही था पुटी पे जबकि बता रही हूँ। रहते रहते उनमें आपस में धीरे धीरे तकरार होना शुरू हो गई। बच्ची के इलाके और ये ऐसी कहानी उन लोगों ने बनाई, एक हिसाब से गलत हुआ, उसमें गलती किसी की भी थी, और बैठ कर उनके लिए बातचीत करना भी जरूरी है। तो आपको ऐसी थी मिस्टेक, तू शक मत करे, मैं करके बताऊँ, तुम्हारे करके बताया। हमारा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं था, जैसा कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अब तुमने ले ही आए हो, जो भी है राखो। हम क्या जाने भाई, ये वे जाने राखे बारे जाने, क्या मतलब बाहर निकल गए सामने वाले की बात है सुनो, तुमने उल्टा जवाब अपन ही दे दिया, क्या कारण है? बड़ी जाए बारी कैसे एक दूसरे छोड़ कर दूसरे कहीं चली जाए, खानदान ही हुई पर कभी नहीं जा। तो उनकी गलती जहाँ है कि तुम कुछ भी करो एक से संपर्क रखो, तुम 10 से रखोगे तो तुम्हें रिश्ते ही कहलाओ। 2010 को मैंने रजनीश भाई को द्विवेदी को मेरी कहानी सुनाई कि आप मेरी फिल्म कोशिश करके बनाने की कृपा करें, मैं अगर इस बात को मैं भोतला हूँ एक बार से, इसका कोई प्रूफ मिलना चाहिए। 3 महीने तक जैसे पागलों की तरह ढूंढता ही फिरा। पंपलेट छपाए, पंपलेट लगाए, इनाम भी रखी। अच्छा नहीं बाबू, घर बेकार का आज भी मारो मारो फिर रहो बेचारो। वो तो बहुत ज्यादा चाहता, आज इतनी मुसीबत है
कि मैं मेरी पत्नी के बगैर रह नहीं सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस दुनिया से, इस दुनिया ने मेरे को साथ नहीं दिया। एक बाल की जिंदगी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। श्रीमान जी से मुझे यही आग्रह है कि मेरी फिल्म हिट हो जाए।